अभी कुछ दिनों पहले खबर आई कि इरफान खान साहब और उसके दूसरे दिन ऋषि कपूर साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये बहुत ही अफसोसनाक खबर थी और दुनिया में इन दोनों एक्टर्स के जितने भी फैंस हैं, जो लाखों करोड़ों की तादाद में हैं, सब बिल्कुल शॉक में रहे। इसका अफसोस हमें भी है और ख़ास करके सिंगापुर में जो एक्टिंग कम्युनिटी है, जो फिल्म मेकिंग कम्युनिटी है, जाहिर है कि अफसोस की लहर, सदमे की लहर इन तमाम लोगों के बीच अभी भी कायम है। हम इस वीडियो के ज़रिए इन दो बहुत ही मोहतरम और अजीम एक्टर्स को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ऋषि कपूर साहब के बारे में बात करना चाहता हूँ। ऋषि कपूर साहब चूँकि सीनियर हैं इरफान साहब से, तो मेरे ख़्याल से उनके बारे में बात करना पहले मुनासिब रहेगा। ऋषि कपूर साहब का एक पर्सनल कहानी भी है कि उनकी फिल्म बॉबी बहुत मशहूर हुई थी और मेरी छोटी बहन है, उसका नाम बॉबी रखा गया। उस ज़माने में, उसी दौर में वो उनकी पैदाइश हुई थी, तो वो एक ज़ाती कनेक्शन है। और बचपन से ही जाहिर है कि हम सबको उनकी फिल्मों से महसूस होने का मौका मिला है, उन्होंने एंटरटेन किया है, कुछ चीज़ें सिखाई भी हैं। तो बचपन में उनकी फिल्में आती थी, ज़्यादातर रोमांटिक फिल्में उनकी होती थी, तो जाहिर है कि हम लोगों को अलाउड नहीं था वो फिल्में देखना। फिर जब थोड़े बड़े हुए तो हमने उनकी फिल्में देखी। उस ज़माने में प्रेम रोग बहुत मशहूर हुई थी, उनके गाने बहुत मशहूर हुए थे, जो आज भी मुझे बहुत पसंद है। फिर बाद में कपूर साहब की मेरा नाम जोकर देखी, वो भी अजीम शाहकार फिल्म है। और अपने तमाम करियर में उन्होंने बहुत तरह की फिल्में की, उनकी एनर्जी, उनकी यूथफुलनेस, उनकी चीयरफुलनेस। इनफैक्ट मुझे याद है, मैं अलीगढ़ में था जब शाहरुख खान की इंट्रोडक्टरी फिल्म आई थी, जिसमें वो गाना था कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, उसमें भी ऋषि कपूर ही होते। तो एक सिलसिला रहा है उनकी, चांदनी, उनकी बहुत सारी फिल्में जो हम लोगों ने देखी हैं, जिसमें कि बहुत अच्छा उन्होंने किरदार अदा किया है। और बाद में उन्होंने ज़ोया अख्तर की जो फिल्म थी फिल्म इंडस्ट्री पे, जिसमें उन्होंने प्रोड्यूसर का रोल किया था, वो बहुत मज़ेदार था। और मुल्क फिल्म जो उन्होंने की उनकी आखिरी फिल्मों में, आखिरी दौर की फिल्मों में, वो परफॉर्मेंसेस हमेशा हम लोगों को याद रहेंगे। ऋषि कपूर साहब से एक दो दफ़ा मिलने का भी मौका मिला है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आप जो कह लें। एक दफ़ा वो जी अवार्ड्स में आए थे सिंगापुर, तो रेड कार्पेट पर उनसे मिलने का मौका मिला था। फिर इत्तफाकन न्यूयॉर्क जाने के पहले, जब वो न्यूयॉर्क जा रहे थे इलाज के लिए, इत्तफाकन जुहू के एक सलून में हम दोनों की मुलाकात हुई। दोनों बराबर भी बैठे हुए थे हम लोग, और हम लोग जो है बाल तुरश हो रहे थे, तो आधा एक घंटा वहाँ रहे होंगे, बिल्कुल साथ साथ बैठे, सामने मिरर था हमारा। हमने मैं एक्टर्स किया, जो भी बड़े लोग उनकी प्राइवेसी का एहतराम करता हूँ, तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, उन्हें मुखातिब भी नहीं किया। एक बार उनको बस मैंने, जब वो देख रहे थे, वो बार बार मुझे देख रहे थे, तो मैंने उनको हल्का सा नॉट किया था एहतरामन, और फिर मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। और फिर वो न्यूयॉर्क चले गए, खबरें आती रहीं, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका काम हमेशा ज़िंदा रहेगा। मुझे बचपन की यादों में उनकी जो सबसे प्यारी यादें हैं, वो हैं जो वो बच्चन साहब के साथ फिल्में उन्होंने की थी, जैसे अमर अकबर एंथनी में उनका कैरेक्टर है, या नसीब में उनका जो कैरेक्टर है, ख़ास करके वो गाना ना, चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, वो बचपन में मैंने बहुत इन्जॉय किया उस गाने को, और मैं अक्सर गाता था, वो गुनगुनाया करता था। तो ऋषि साहब की ये यादें हम लोग के साथ हमेशा रहेंगी। अब इरफान खान साहब तो बहुत ही ख़ास शख्सियत के मालिक थे। इरफान साहब को मैंने टेलीविज़न के ज़माने से नोट करना शुरू किया था। वो आपको याद होगा, स्टार बेस्ट सेलर्स
के नाम से एक सीरीज़ आती थी, उसमें शायद एक दो कैरेक्टर्स मतलब उन्होंने किए थे उसमें, और वो मुझे अब तक याद है। और मुझे लगता था कि ये शख्स इतना कमाल का एक्टर है, इतनी काबिलियत और हुनर इसके अंदर है, ये क्यों अपना वक्त टीवी में ज़ाय कर रहा है। और ये बात सच साबित हुई, बहुत जल्दी फिर उन्हें फिल्मों में मौका मिला और सलाम बॉम्बे से लेके लगातार उन्होंने एक सफ़र शुरू किया और एक्टिंग के दौर से गुजरते हुए इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए कि हॉलीवुड तक पहुंच गए। और ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स किए उन्होंने कि रहती दुनिया तक याद रहेगा उनके चाहने वालों को, उनको देखने की फिल्मों को देखने वालों को। तो इरफान साहब की जो शुरू की फिल्में थी, जैसे मैंने उन्हें नोटिस किया था, एक हंसल मेहता की फिल्म थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक दिल पे मतले यार, ऐसी कोई फिल्म थी जिसमें उन्होंने मामू का कैरेक्टर अदा किया था। फिर उनकी हासिल फिल्म आई थी और उसके बाद तो बिल्कुल रुके नहीं, वो थमे नहीं, एक सैलाब की तरह, एक टैलेंट का एक सैलाब था, एक लावा था, वो बहता चला गया और पूरी दुनिया को मशहूर कर लिया उन्होंने अपने जादू में, अपनी इस एक पता नहीं एक मिस्टिकल एनर्जी थी उनकी परफॉर्मेंसेस में। उनकी आंखों का मैं ज़रूर जिक्र करूंगा, बड़ी बड़ी नशीली आंखें उनकी थी, बहुत ही मखसूस किस्म की। देखिए एक्टिंग में आंखों का बहुत बड़ा रोल होता है, एक मेरे ख़्याल से पेड्रो अल्मोदोवार या किसी ने ऐसे कहा था कि आई डोंट कास्ट एक्टर्स आई कास्ट आइज़, और उनकी आंखें तो बिल्कुल लाजवाब मेरे ख़्याल से यकता हैं अपने आप में थी। तो उनकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस मुझे याद रहेंगी, जैसे पान सिंह थोमर में जो उनका कैरेक्टर है, जिस तरह से उन्होंने किया उसको, और नेम से एक भी जो उनका कैरेक्टर है, एक NRI का कैरेक्टर उन्होंने अदा किया, और हर फिल्म में एक बिल्कुल अलहदा छाप छोड़ा है उन्होंने, चाहे वो छोटा कैरेक्टर किया हो चाहे वो बड़ा कैरेक्टर किया हो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब मैं इरफान साहब और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को देखता हूँ तो मुझे दोनों में नसीर साहब और ओमपुरी साहब की झलक दिखती थी, मुझे लगता था कि ये उनकी लेगेसी को ये लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अफसोस के इरफान साहब बीच में छोड़ के चले गए, और बहरहाल उनका काम, बड़े लोगों का काम जो है वो हमेशा ज़िंदा रहता है, और जब तक दुनिया है, बॉलीवुड है, इंडियन सिनेमा है, इनकी फिल्मों को देखा और सराहा जाएगा, उनको याद किया जाएगा। और अल्लाह इरफान साहब को जन्नत नसीब करे। उनके आखिरी अल्फाज थे कि उनकी माँ उनको लेने आ रही हैं। मेरे ख़्याल से बहुत खुश नसीब रहे वो, अल्लाह ने उनको बहुत अचीवमेंट्स दी, और रमज़ान के महीने में इंतकाल हुआ जो बहुत ही मुक़दस महीना माना जाता है। तो मुझे यकीन है कि इरफान साहब बहुत ही ख़ास शख्सियत थे, और अल्लाह को इसलिए वो बहुत जल्दी प्यारे हो गए। इन यादों के साथ मैं रुख्सत लेता हूँ, जाहिर है कि दिल हमारा भारी और सोगवार रहेगा, एक ज़माने तक रहेगा, पर इनकी यादें, इनका काम, ये हमेशा हमारे साथ रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।